हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का आंसर कीज जो है, फाइनल आंसर कीज जो है वो आ चुका है। फ्रेंड्स, आपका जो फाइनल आंसर की है और यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो आपने ऑब्जेक्शन किया था और जितने भी स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया था उसका रेजोल्यूशन जो है यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय कैंडिडेट्स, वो सारा जो है सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी पर, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाह रहे हैं या मैथ पढ़ना चाह रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ना चाह रहे हैं, तो सब कुछ आप ऑनलाइन फ्री स्टडी पढ़ सकते हैं। अगर आप सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं और पर डे देखना चाहते हैं डेली बेसिस पर, तो ऑनलाइन फ्री स्टडी सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो कि इस प्रकार का दिखेगा, जो आपका आज आया हुआ है और इसको मैं पढ़ के दिखाऊंगा और सारी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या चीज़ देखें कि भाई ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि सभी यही बोलते हैं कि ऑथेंटिक है तो ऑनलाइन जाकर दिखाइए और वेबसाइट पर जाइए। चलेंगे वेबसाइट पर देखेंगे। तो फ्रेंड, ये है आरआरबी भोपाल की वेबसाइट और आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर आप 2 से 3 नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एक्चुअल में 3 नोटिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो एक नोटिफिकेशन जो है हमारे जेई का है, आरआरबी जेई का सीबीटी 2 एग्ज़ाम था उसका। यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू नोटिस ऑन व्यूइंग ऑफ फाइनल की एंड रेजोल्यूशन ऑफ कैंडिडेट राइज बाय कैंडिडेट ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी, यानी कि सेकेंड स्टेज सीबीटी की फाइनल आंसर कीज एंड उनके रेजोल्यूशन जो कि आपने राइज किए थे वो सारे आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू मॉडिफाई की एंड डिसीजन टेकन ऑन द ऑब्जेक्शन राइज ऑन द क्वेश्चन एंड की ऑफ सेकेंड स्टेज। और जो दूसरा वाला जो है नोटिफिकेशन वो है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का, जो कि इससे पहले भी जो है एक फर्स्ट लिस्ट आई थी, ठीक है, उसके बाद सेकेंड लिस्ट भी आ गई है, ठीक है। लेकिन हमें देखना है ये वाला जो नोटिफिकेशन, इसको देखना है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने इसको डाउनलोड पर लगा ही दिया था पहले। ओके, इसको देख लेते हैं भाई। ओके, ये हो चुका है डाउनलोड, इसको कर लेते हैं ओपन। ये हो गया ओपन, अब देखते हैं एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है, ठीक है। ये ओपन हो चुका है, ये यहाँ पर ओपन हो गया है, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये सारा का सारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन है, ये आपको दिखाई दे जेई और स्टेज सेकंड के लिए बेस टेस्ट के लिए है। विविंग ऑफ फाइनल आंसर कीज एंड रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शन राइज बाय कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट को यहाँ पर अवेयर कर दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपके आंसर की ऑब्जेक्शन का टाइम था 26/9 से 29/9 तक का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है द ऑब्जेक्शन राइज बाय द कैंडिडेट वेयर एनालाइज एंड द की फॉर सम क्वेश्चन वेयर चेंज एंड क्वेश्चन विथ मल्टीपल आंसर और नो की और एम्बिगस वेयर इग्नोर एज पर द एक्सटेंडेड प्रोसीजर या प्रोसीड्योर कहें फॉलो बाय आरआरबी, ठीक है। मतलब कि जो कि मल्टीपल आंसर से जिनके आंसर की नहीं थी, जिनके एम्बिगस यानी कि क्वेश्चन कुछ दिक्कत थी क्वेश्चंस में, तो उनको जो है इग्नोर कर दिया गया है एज़ पर द आरआरबी रूल्स या प्रोसीजर के देखते हुए। इसके बाद यहाँ पर आए हैं हम, देखते हैं कैंडिडेट में व्यू मॉडिफाई की फॉर देयर क्वेश्चन पेपर एंड ऑल्सो नोन एज द फाइनल डिसीजन ऑन द ऑब्जेक्शन राइज बाय देम इफ़ अगर आपने करा है बाय लॉगिन, अपनी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद कब से कब तक देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट है ये देख सकते हैं आप, 10/10 से यानी कि आज से लेकर 10/12 यानी कि सॉरी 12/2 यानी कि ओनली 2 डेज तक देख सकते हैं। ओके, इसके बाद द डिसीजन या डिसीजन ऑफ ऑफ द आरआरबी ऑन द की क्वेश्चन इज फाइनल एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस बिल बी एंटरटेन। मतलब कि कह दिया भाई इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, जो हो गया हो गया, आपके आंसर की अगर आपने करी है ऑब्जेक्शन करा है तो ठीक, नहीं करा है तो आपका ऑब्जेक्शन नहीं होगा और ये फाइनल हो चुका है ऑलरेडी जो है आपका जो यहाँ पर आ चुके हैं आंसर कीज, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, हम चलते हैं चेक करते हैं भाई कि आंसर कीज का कुछ टैब ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, हमने यहाँ पर गए, इसको ओपन करते हैं। आई थिंक ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन इस पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप जहाँ पर देख सकते हैं मॉडिफाई की कैन बी व्यू फ्रॉम 15 hours ऑन 10/10/13, ठीक है। तो अभी जो है 2:53, ओके
मतलब मिनट हुए हैं ओके, यानी कि थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। जैसे ही टाइमिंग होगा तो मैं आपको ये कांसेस पीस जो है मैं दिखाऊंगा। तो ये कैसे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन तो आपने मिल ही चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, देन बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।